भारत और अमेरिका के बीच सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट पर समझौता हो गया है। आज अमेरिका के अंदर भारत के डिफेंस मिनिस्टर मौजूद हैं और एक एग्रीमेंट इंडिया ने किया है जिसे सोसा के नाम से जाना जा रहा है। इस एग्रीमेंट के तहत कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट कि इंडियन और अमेरिकन फौजें जो हैं वो एक दूसरे को हर जगह पे सपोर्ट करेंगी। आप अमेरिका में काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम करिए, भारत के प्रति निष्ठा रहनी ही चाहिए, लेकिन अमेरिका में यदि काम कर रहे हैं तो अमेरिका के प्रति भी निष्ठा में कहीं पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। पाकिस्तान से क्या कोई मुल्क इस तरह का एग्रीमेंट साइन कर सकता है? चाइना जो है वो भी जारी बात है मुश्किल में है, उसके लिए भी चैलेंजेस मौजूद हैं, हमारे लिए भी चैलेंजेस हैं कि अगर इंडिया को अमेरिका इस लेवल पे सपोर्ट करने लगेगा तो पाकिस्तान का डिफेंस तो बहुत कमजोर हो जाएगा। मेरे साहब चाहिए है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का जो इसमें रोल रहा है वो काफी नेगेटिव रहा है, कि ये भी सच्चाई है कि सबको पता है ये रशिया वर्सेज यूक्रेन नहीं है लड़ाई, ये रशिया वर्सेज नेटो है। ये है कि अब ये अचानक जो है ये वहां पे तलवा निकले, अब उसमें अमेरिका था नहीं था, चाइना था नहीं था, एक चीज पनप रही थी, फैसला कर लिया नहीं, सपोर्ट कर दिया ना उनको। और टॉम सुलिवन ने की और ये जो दूसरा नाम है ना, अगर दोबारा हम देखें इसको रास वालिस के इम्पैक्ट का, तो मैं समझता हूँ कि इस दौड़ में पाकिस्तान कहीं आता ही नहीं है भाई, पाकिस्तान इस रेस से बाहर है। अगर इंडिया खुश है इसलिए वो एक ऑपरेटिंग बेस बन गया है उसका पाकिस्तान के खिलाफ। बात असल ये है कि मुझे फिक्र और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अगर भी अमेरिकन इनके साथ डील करके चले जाएं, किसके साथ, तो जिस तरह की आइसोलेशन में चला गया है रीजनल पॉलिटिक्स में और जिस तनाई का शिकार हो गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसको सामने रखते हुए तो आप पूरे दावे से कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी स्पेस जो है वो खो चुका है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अपने 4 दिन की यात्रा पर अमेरिका पहुंच गए हैं। पहले दिन भारत और अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अहम एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है, जिसे देख चीन और पाकिस्तान मातम मना रहे हैं। इसमें सोसा एग्रीमेंट बहुत ही अहम है। भारत और अमेरिका ने अपने रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पर साइन किया है। दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से रक्षा के लिए SOC का समझौता बहुत अहम है। इसके जरिए भारत और अमेरिका अपने राष्ट्रीय रक्षा सहयोग बढ़ावा देने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए समर्थन प्रदान करने पर सहमत हुए हैं। भारत अमेरिका के लिए सोसा एक क्रिटिकल एग्रीमेंट है। सोसा, जिसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट है, जिसमें इंडिया और अमेरिका दोनों एक दूसरे की जो नेशनल सिक्योरिटी और जो डिफेंस है इसको सपोर्ट कर सकते हैं मुश्किल समय पर। फॉर एग्जाम्पल, अचानक से चाइना और पाकिस्तान ने अगर भारत पे सरप्राइज अटैक किया तो इमीडिएटली USA भारत को डिफेंस हार्डवेयर सप्लाई करेगा इस सोसा एग्रीमेंट के तहत। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। आज अमेरिका के अंदर भारत के डिफेंस मिनिस्टर मौजूद हैं और एक एग्रीमेंट इंडिया ने किया है जिसे सोसा के नाम से जाना जा रहा है। इस एग्रीमेंट के तहत कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट कि इंडियन और अमेरिकन फौजें जो हैं वो एक दूसरे को हर जगह पे सपोर्ट करेंगी। मेरे साहब, आपको क्या लगता है इंडिया को अगर अमेरिकी फौज हर मुकाम पे सपोर्ट करती है ये कितना कोई हिस्टोरिकल चीज है? दूसरी तरफ मेरे साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान से क्या कोई मुल्क इस तरह का एग्रीमेंट साइन कर सकता है? चाइना जो है वो भी जारी बात है मुश्किल में है, उसके लिए भी चैलेंजेस मौजूद हैं, हमारे लिए भी चैलेंजेस हैं कि अगर इंडिया को अमेरिका इस लेवल पे सपोर्ट करने लगेगा तो पाकिस्तान का डिफेंस तो बहुत कमजोर हो जाएगा। कोई इस तरह की एक्टिविटी जो है उसकी वजह से पाकिस्तान का डिफेंस कमजोर हो रहा है, इसलिए इंडिया और भारत ये काम ना करें बल्कि छोर छिड़ा के बैठ जाएं कि नहीं जी इससे जो है ये नुकसान हो जाएगा। वो अपना एक जो है स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक जो उनकी हो रही है प्रोग्रेस मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ फील्ड्स में, ये उसकी रिफ्लेक्शन है। और आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई सालों से इंडिया और भारत दोनों ये ऐलान कर रहे हैं कि वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नेटो टाइप या नेटो से भी बेटर बहुत मानों में, बल्कि उससे भी कई हवालों से, क्योंकि नेटो का भी एक लिमिटेड जो है वो मैंडेट है, तो वो करने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के आपको पता है कि एग्रीमेंट्स साइन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब जो पाकिस्तानी एनालिस्ट है जो इस तरह की इंडिया पाकिस्तान
भारत स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और इसकी जो एडवांसमेंट है उसके बारे में बात करता है, उसको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अब ये नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है। ये अब ये बुनियादी बात थी आपकी जो है वो जब अमेरिका अफगानिस्तान में था, या आप कह लें 4-5 साल पहले तक भी ये बात दुरुस्त थी कि आप ये देखते कि ये जो अब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान जो एक नई सफबंदी हो रही है, एक नई जो है वो अलायंसेस डेवलप हो रहे हैं, मिलिट्री और इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो रही है, इसका पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा। तो उस वक्त तो आपने जो है इस क्वेश्चन को कंसिडर ही नहीं किया। रास वाल इसके इम्पैक्ट का तो मैं समझता हूँ कि इस दौड़ में पाकिस्तान कहीं आता ही नहीं है भाई, पाकिस्तान इस रेस से बाहर है। उसकी जो अपनी स्ट्रेटेजिक स्टैंडिंग थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो गई है, और जो कुछ बचा था वो अफगानिस्तान के हवाले से था, जहाँ पे पाकिस्तान या तो इम्प्रेशन दे रहा था कि हम अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की पोजीशन में हैं, एक फेक किस्म का इम्प्रेशन, या इनफैक्ट उसकी कहीं अगर कोई इस तरह का आप यूं कह सकते हैं कि असर सुख था भी, तो ये जो अफगान गवर्नमेंट का यह नया उन्होंने जो स्टैंड लिया और बड़ा सख्त स्टैंड लिया है मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, और अपने आप को डिफरेंटली आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है सेपरेटली फ्रॉम पाकिस्तान के जो इलाकाई रीजनल स्ट्रेटेजिक मफादात हैं उससे मायदा हुआ है। इस तरह के कई मायदे ना सिर्फ आप देखेंगे बल्कि उन पे अमल भी होता देखेंगे, और पाकिस्तान जिस तरह की मैस में गिरफ्तार हो गया है इंटरनल पॉलिटिक्स में, तो जिस तरह की आइसोलेशन में चला गया है रीजनल पॉलिटिक्स में, और जिस तनाई का शिकार हो गया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसको सामने रखते हुए तो आप पूरे दावे से कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी स्पेस जो है वो खो चुका है, कि आप किसी तरीके से भारत के साथ किसी तसादम में जाएंगे और चीन आपकी किसी भी किस्म की कोई हमायत करेगा अदर देन स्टैंडिंग इन द यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के किसी करारदाद से ज़्यादा, तो ये आपकी कतई तौर पे गलतफहमी है। और सिक्योरिटी काउंसिल की जो सिचुएशन है उसमें चीन जैसा मुल्क अब कोई फैसला कुन रोल वैसे भी इसलिए नहीं प्ले कर सकता कि वहाँ बैलेंस ऑफ पावर जो है वो जिस तरीके से एडजस्ट हो चुका है उसमें वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। ये आप हिस्टोरिकली जिस तरह डिपेंड किया था अमेरिका पे, आपने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जब आप हथियार ले रहे थे तो उसमें वाजह तौर पे उन्होंने आपको बता दिया था कि हम आपको तमाम हथियार देंगे, लेकिन उनकी शर्त ये है कि वो सिर्फ आप पाकिस्तान में कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब है पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टियों को कुचलने के लिए या सोवियत मदाखलत या किसी तरह की बगावत जो है उसके ख़िलाफ़, लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते। जब आपने करने की कोशिश की तो इतने बड़े ताल्लुकात के बावजूद कि आप जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक का फ्रंट लाइन हिस्सा थे, अमेरिका ने आपके हथियार बंद कर दिए थे। तो ये आप चीन से तवक्को कैसे रख सकते हैं कि जिसकी मोर देन $100 बिलियन तजारत है और उसका करीब तरीन पड़ोसी और एक ताकतवर मुल्क है उसको छोड़ के, तो एक सेटेलाइट स्टेट की खातर जो है वो चीनी को इस तरह का डिसीजन करेंगे जो आपके हक में होगा। बिल्कुल भाई साहब, पाकिस्तान ने 100 अरब, अमेरिका ने हमें $100 अरब दिया, पर हमारा कबाड़ा भी तो हो गया ना, पहले हम मौलवी बनाए हमने, बाद हम उनको ख़त्म करते रहे तालिबान को, तो वो $100 अरब हमने वो पूरा जिसे कहते हैं ना ब्लड एंड स्वेट बहाया अपना, तो $100 अरब मिला है।